हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो इसमें ये बोला है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये जो नंबर है वह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए, बहुत आसान है, यहाँ समझना, समझिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी नंबर है यदि वह परफेक्ट क्यूब है तो वह तभी परफेक्ट क्यूब है जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बना सकें। मतलब कि यदि हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनमें से सभी का यदि ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वह परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो 675 का यदि हम परफेक्ट वो निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उनका ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो जिस नंबर की कमी रहेगी उस नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वही सबसे छोटा से छोटा नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, वही निकालना है आपको। चलिए वन बाई वन सॉल्व करते हैं सबको। सॉल्यूशन फर्स्ट 675, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 675। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने 675 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, तो यहां ले सकते हैं। तो आप यहां पर यदि ट्रिपलेट बनाएंगे, मतलब पेयर्स ऑफ थ्री नंबर्स को बोलते हैं ट्रिपलेट, यहां बनाएंगे तो देखिए यहां पर थ्री का बन गया बिल्कुल, लेकिन फाइव का नहीं बना है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाएगा, तो जिसका जितने प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन रहा बस उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि यहाँ पर केवल एक फाइव से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रिपलेट बन जाए, है कि नहीं। तो केवल हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके केवल एक ही फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। वी कैन राइट 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 5 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर 1323। तो हम कर लेते हैं पहले इसका फैक्टराइजेशन। तो हमने कर लिया यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख देते हैं यहाँ पर सिंस 1323। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी सी दैट 7 डजंट हैव ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको और ये बताना होगा कि यहाँ पर इस 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो हमें एक एक्स्ट्रा 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यही 7 जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तब जाकर के हमें ट्रिपलेट बन जाएगा। देखिए थ्री का बन गया और यहाँ 7 का बन जाएगा, तो 7 इज द आंसर, 7 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर ना, दैट इज इट। तो हमने यहाँ पर कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 का बन गया, यहाँ पर एक ट्रिपलेट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि 2 का ट्रिपलेट बन जा रहा है बिल्कुल, लेकिन 5 का नहीं बना, तो हमें 5 का ट्रिपलेट बनाना होगा। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसमें कि ये ट्रिपलेट बन जाए, तो देखिए 5 के कितने ट्रिपलेट्स बनाने के लिए, मतलब 5 के जो ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने और 5 हमें जरूरत पड़ेगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक बार 5 से, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 5 से, तो हमें 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि वी सी दैट तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 25 25 इज द आंसर, मीन्स 25 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो यही हमारा आंसर होगा 25 फॉर दिस वन। नेक्स्ट,
तो हमने यहाँ पे कर लिया है फैक्टराइजेशन, अब यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 17 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, दैट्स वाई 17 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वी मस्ट मल्टीप्लाई 7803 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था थर्ड और सेकेंड में और फर्स्ट में, तो ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो लेजिटिमेट लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 17 की कमी है बस, तो हमने यहाँ कर लिया है फैक्टराइजेशन, अब यहाँ लिख लेते हैं। अब बनाएंगे यहाँ पर ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट बन गया लेकिन एक 3 का नहीं बना है और यहाँ 11 का ट्रिपलेट बन चुका है। इसका मतलब कि हमें 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 × 3 से, तब जा करके इसका जो है इस 3 का हमारा बनेगा ट्रिपलेट। इसका मतलब कि 3 × 3 = 9, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वी शुड मल्टीप्लाई 1,07,811 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, हमारा जो आंसर हो जाएगा 9। ओके, तो लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है आपका 35,721, तो इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सो हमारा आ गया फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 का ट्रिपलेट बन गया यहाँ पर और ये भी 3 का बन गया लेकिन 7 का नहीं बन पाया है, तो इसका मतलब कि जो मिनिमम नंबर होगा जिससे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वह है 7, ठीक है। इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाई 7 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारा आंसर जो है वो है 7, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मतलब कि बस आपको देखना है ना कि मिनिमम कितने नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये जो नंबर है मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो केवल यहाँ पर देखिए 7 का ही नहीं बन रहा था, इसलिए हमने केवल 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए बन गया, दैट्स इट। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो चुका है, तो आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कैसे करना है इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।